When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. I've got no makeup. How do you look so fine? Bless up, bless up. How did I make you mine? फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीसा स्टाइल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज मैंने ब्लैक सिल्वर स्मोकी आई मेकअप लुक को क्रिएट किया है। ये एक पार्टी मेकअप लुक है, बहुत ही इजी है इस मेकअप लुक को क्रिएट करना। आप किसी भी ओकेशन पे जा रहे हो, आप इजीली इस मेकअप लुक को क्रिएट करके जा सकते हो। और प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपकी एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है। सो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरी ये मेकअप लुक कैसी लगी। और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सो बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा, जब भी कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूंगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो सबसे पहले एक वेट टिश्यू के हेल्प से मैं अपनी फेस को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। उससे पहले मैंने बायोटिक की नीम फेस वॉश के हेल्प से मैं अपनी फेस को अच्छे से क्लीन किए थे। नेक्स्ट आई एम यूजिंग गुड वाइब्स पॉमीग्रेट टोनर। टोनर की हेल्प से मैं अपनी फेस को अच्छे से टोनिंग कर लूंगी। फ्रेंड्स, ये गुड वाइब्स की प्रोडक्ट तो ऑसम प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। और ये टोनर बहुत अच्छी टोनर है, बहुत अच्छे से फेस को टोनिंग करती है एंड ग्लो भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट मैं लिप को मॉइस्चराइजिंग कर लूँगी हिमालय स्ट्रॉबेरी शाइन लिप बाम की हेल्प से। ये लिप बाम बहुत अच्छी लिप बाम है, बहुत अच्छे से लिप्स को मॉइस्चराइजिंग करती है। नेक्स्ट मैं फेस को मॉइस्चराइजिंग करने के लिए यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स वाटरमेलन जेल। वाटरमेलन जेल की हेल्प से मैं अपनी फेस को अच्छे से मॉइस्चराइजिंग कर लूँगी। फ्रेंड्स, आपके अगर ऑयली स्किन है, आप गर्मियों के टाइम के लिए कोई भी जेल आप यूज़ कर सकते हैं। गुड वाइब्स के प्रोडक्ट में आपको जेल में काफ़ी सारे वेरिएंट्स मिल जाएगी, तो आप चेक कर सकते हैं। आप फेस को मॉइस्चराइजिंग करने के लिए कोई भी जेल आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आई मेकअप को शार्प करने के लिए आई की इनर कॉर्नर पर मैं सेलोटेप को अप्लाई कर लूँगी। ओके, सो नेक्स्ट आई एम यूजिंग NYBE कंसीलर, माई शेड इज 03। मैं इस कंसीलर की हेल्प से आईलिड को अच्छे से कंसील कर लूँगी। ये बहुत अच्छी अफोर्डेबल कंसीलर है, बहुत अच्छे से आईलिड को कंसील करती है। उसके बाद एक एंगल ब्रश की हेल्प से मैं अपनी कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं अपनी कंसीलर को अच्छे से सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ लैक्मी सन एक्सपर्ट कॉम्पैक्ट। ये कॉम्पैक्ट की हेल्प से मैं अपनी आईलिड को अच्छे से सेट कर लूँगी। ये कॉम्पैक्ट बहुत अच्छी कॉम्पैक्ट है, बहुत अच्छे से कवरेज प्रोवाइड करती है एंड अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट भी है। आज मैं आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी आई शेडो पैलेट, माई शेड इज 06। उसमें से मैं इस पीची अंडरटोन शेड को एक ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से पिक करके मैं अपनी आई की क्रीज लाइन पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी अफोर्डेबल 9 शेड आई शेडो पैलेट है। इसके सभी शेड बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। आप अगर बिगनर हो, आप मेकअप सीख रहे हो, आप इस आई शेडो को बाय कर सकते हो। ओके, सो सेम पैलेट में से इस लाइट ब्राउन और इस डार्क ब्राउन दोनों शेड को सेम फ्लैपी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से पिक करके क्रीज की थोड़ी नीचे मैं आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। सो आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद नेक्स्ट आई एम यूजिंग NYBE काजल। काजल को मैं अपनी पूरे आईलिड पर अप्लाई कर लूंगी, बट क्रीज तक नहीं जाऊंगी, क्रीज से थोड़ी नीचे काजल को अप्लाई कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये काजल बहुत अच्छी अफोर्डेबल काजल है, बहुत स्मूथ इसके एप्लीकेशन है। और ये काजल आपको सिर्फ purple.com पे ही मिलेगी, क्योंकि ये purple.com की ब्रांड है। आपको अगर ये काजल परचेस करनी है तो ये काजल आपको purple.com से मिल जाएगी। सो काजल को आईलिड पर अप्लाई करने के बाद एक पेंसिल ब्रश के हेल्प से काजल को अच्छे से स्मोक आउट कर रही हूँ। काजल को स्मोक आउट करने के बाद सेम आई शेडो पैलेट में से इस डार्क ब्राउन शेड को एक फ्लैट फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से पिक करके मैं अपनी क्रीज लाइन पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काजल को स्मोक आउट किया था। काजल की अगर कोई भी हार्श लाइन ना दिखे क्रीज लाइन पर, इसीलिए ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। ये स्टेप करने से आपकी आई मेकअप बहुत अच्छी स्मूथ सॉफ्ट एंड ब्लेंडेबल लगेगी। आफ्टर दैट आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी लिक्विड आई शेडो, माई शेड इज 04 स्मोकी स्ट्रॉम।
इस लिक्विड आई शेडो को मैं अपनी हाफ आईलिड पर अप्लाई कर लूँगी। और फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी आई शेडो है, बहुत ही पिगमेंटेड है एंड बहुत जल्दी से ड्राई आउट भी हो जाती है। फ्रेंड्स, आप इस लिक्विड आई शेडो को बाय करके देखिएगा, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। नेक्स्ट आई एम यूजिंग NYB लिक्विड आई लाइनर। इस लाइनर के हेल्प से मैं एक विंग आई लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी अफोर्डेबल जेड ब्लैक आई लाइनर है। आपको अगर ये आई लाइनर परचेज करनी है तो आपको सिर्फ ये purple.com पे मिल जाएगी। ओके, सो मैं अपने आई लाइनर को ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद सेलो टेप को निकालने के बाद आप देख सकते हो आई लाइनर कितनी शार्प और एजी दिख रहा है और मेरे आई मेकअप भी कितने शार्प और एजी दिख रहा है। उसके बाद जो कुछ भी फॉल आउट हुआ है एक वेट टिश्यू के हेल्प से क्लीन कर रही हूँ। ओके, सो नेक्स्ट आई एम यूजिंग NYB प्राइमर। सो प्राइमर को मैं अपनी फिंगर के हेल्प से पिक करके मैं अपनी टी जोन एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि समर टाइम पे टी जोन एरिया ज़्यादा ऑयली हो जाती है। प्राइमर को अप्लाई करने से ऑयली कम होती है एंड आपकी मेकअप भी ईजीली अप्लाई हो जाती है। उसके बाद एक स्मॉल पुली की हेल्प से मैं अपनी आईब्रो को अच्छे से कोम कर लूँगी। उसके बाद सेम आई शेडो पैलेट में से मैं इस ब्लैकिश ब्राउन शेड को एक एंगल ब्रश के हेल्प से पिक करके मैं अपने आईब्रो को ड्रॉ कर रही हूँ। इस आई शेडो पैलेट में से मैं जो डार्क ब्राउन शेड को पिक करके अपनी आईब्रो को फिल कर रही हूँ। ये शेड बहुत ही परफेक्ट शेड है आईब्रो को फिल करने के लिए। आईब्रो को फिल करने के बाद नेक्स्ट आई एम यूजिंग NYB लिक्विड कंसीलर। मुझे जहाँ जहाँ कंसील करने की ज़रूरत है उस एरिया को मैं कंसील कर रही हूँ कंसीलर की हेल्प से। जैसे कि मेरे आईब्रो को शार्प और एजी दिखाना है, इसीलिए मैं आईब्रो के ऊपर भी कंसीलर को अप्लाई किया है। मेरे अंडर आई एरिया पे थोड़ी सी पिगमेंटेशन है, उस एरिया पे भी मैं कंसीलर को अप्लाई कर रही हूँ। और मुझे जहाँ जहाँ एक्ने पिंपल की मार्क से उस एरिया को भी कंसील कर रही हूँ कंसीलर की हेल्प से। उसके बाद एक फ्लफी एंगल ब्रश के हेल्प से मैं कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आपके अगर ब्राउन पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो आप कोई भी ऑरेंज करेक्टर पहले अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद आपकी स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी कंसीलर आप अप्लाई कर लीजिए। सो आपके अगर पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम है, रेड मार्क्स की प्रॉब्लम है, तो आप कोई भी ग्रीन करेक्टर यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप कंसीलर को अप्लाई कर सकते हैं, उससे आपकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छे से हाइड हो जाएगी। सो मुझे ब्राउन पिगमेंटेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मैं डायरेक्ट अपनी फेस के अकॉर्डिंग कंसीलर को अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद ब्लेंड कर रही हूँ। ओके, सो कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आज मैं मेकअप के लिए यूज़ कर रही हूँ पॉन्स बीबी क्रीम माई शेड 01 ओरिजिनल। पूरे फेस पर मैंने बीबी क्रीम को डॉट डॉट करके अप्लाई कर लिया है। उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से बीबी क्रीम को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आप जानते ही होंगे पॉन्स बीबी क्रीम मार्केट में दो शेड में अवेलेबल मिलती है, 01 और 02। आप अगर फेयर टू मीडियम स्किन टोन के हो तो आपको 01 बहुत अच्छे से सूट करेगी। आप अगर डस्की स्किन टोन के हो तो आपको 02 बहुत अच्छे से सूट करेगी। और बीबी क्रीम आपको शेयर टू मीडियम कवरेज प्रोवाइड करती है और समर टाइम के लिए बीबी क्रीम बहुत ही अच्छी है। तो बीबी क्रीम को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं अपने फेस को सेट करने के लिए यूज़ करी हूँ लैक्मी सन एक्सपर्ट कॉम्पैक्ट। इस कॉम्पैक्ट की हेल्प से मैं अपने फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी। कॉम्पैक्ट को अच्छे से सेट करने के लिए एक पाउडर ब्रश के हेल्प से कॉम्पैक्ट को पिक करके मैं अपने फेस को अच्छे से सेट कर रही हूँ। और ये कॉम्पैक्ट समर टाइम के लिए बहुत ही अच्छी कॉम्पैक्ट है, बहुत अच्छे से फेस को सेट करती है एंड कवरेज भी प्रोवाइड करती है एंड अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट भी है। इसमें आपको SPF 40 मिल जाती है जो बहुत ही अच्छी है। समर टाइम पे आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप सिर्फ इस कॉम्पैक्ट को यूज़ करके बाहर जा सकते हैं। फेस को अच्छे से सेट करने के बाद फेस को कॉन्टोरिंग करने के लिए यूज़ करी हूँ वेट एंड वाइल्ड की पैलेट। वेट एंड वाइल्ड की पैलेट में से मैं इस लाइट ब्राउन और ये न्यूडिश ब्राउन दोनों शेड को एक एंगल ब्रश के हेल्प से पिक करके मैं अपनी नोज को अच्छे से कॉन्टोरिंग कर लूँगी। सो वेट एंड वाइल्ड की पैलेट में ये दो शेड बहुत ही अच्छी शेड है फेस को कॉन्टोरिंग करने के लिए। उसके बाद एक फ्लैपी एंगल ब्रश के हेल्प से कॉन्टोरिंग शेड को पिक करके मैं अपनी फोरहेड को कॉन्टोरिंग कर लूँगी। उसके बाद मैं अपनी चीक को भी कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। सो मुझे जहाँ जहाँ कॉन्टोरिंग करने की ज़रूरत है उस एरिया को मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपनी जॉलाइन को भी कॉन्टोरिंग कर लूँगी।
सो ब्लश के लिए यूज़ करी हूँ मेकअप रेवोल्यूशन ब्लश पैलेट। उसमें से मैं न्यूडिश पिंक और ये कोरल पिंक दोनों शेड को एक ब्लश ब्रश की हेल्प से पिक करके मैं अपनी चीक पर ब्लश को अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद स्विस ब्यूटी आई शेडो पैलेट में से मैं इस लाइट ब्राउन और ये डार्क ब्राउन दोनों शेड को एक फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से पिक करके मैं अपनी लोअर वाटर लाइन के नीचे आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ओके, सो लोअर वाटर लाइन पे अच्छे से आई शेडो को ब्लेंड करने के बाद नेक्स्ट आई एम यूजिंग NYB काजल। सो काजल की हेल्प से मैं अपनी लोअर वाटर लाइन को अच्छे से टाइट लाइन कर लूँगी। उसके बाद आईलैश कलर की हेल्प से मैं अपनी आईलैश को अच्छे से कर्ल कर लूँगी। सो आईलैश को अच्छे से कर्ल करने के बाद आफ्टर दैट आई एम यूजिंग एसेंस मस्कारा। सो इस मस्कारा की हेल्प से मैं अपनी आईलैश को अच्छे से कर्ल कर रही हूँ एंड कोट कर रही हूँ। और ये बहुत ही अच्छी अफोर्डेबल मस्कारा है, बहुत अच्छे से लैश को कर्ल करती है एंड कोट करती है एंड वॉल्यूम भी प्रोवाइड करती है। सो मैं अपनी फेस को हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वेल्ड की हाईलाइटर। माई शेड इज स्पीशियस पैटर्न। सो मैं एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से हाईलाइटर को पिक करके मैं अपनी आई की इनर कॉर्नर को एंड ब्राउ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ। उसके बाद एक फैन ब्रश की हेल्प से हाईलाइटर को पिक करके मैं अपनी नोज़ को अच्छे से हाईलाइट कर रही हूँ और फोरहेड को भी हाईलाइट कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपनी चीक को भी हाईलाइट कर रही हूँ और ये बहुत अच्छी हाईलाइटर है, बहुत अच्छे से सटल ग्लो प्रोवाइड करती है। उसके बाद मैं अपनी क्यूपिड्स चिन एरिया को भी हाईलाइट कर लूँगी। और फ्रेंड्स, आप अगर ऑफ शोल्डर कोई ड्रेस पहन रहे हो तो आप इस तरीके से नेक एरिया को भी ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा। नेक्स्ट आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड लिक्विड लिपस्टिक। माई शेड इज गिव मी मोचा। ये एक न्यूडिश ब्राउन शेड लिपस्टिक है और फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी लिक्विड लिपस्टिक है। आप कोई भी ऑयली फूड खाओ, ये थोड़ी भी क्रीज नहीं होती है, बहुत ही अच्छी लिक्विड लिपस्टिक है। आप ज़रूर इसे ट्राई करके देखिएगा। एट लास्ट मैं अपनी मेकअप को सेट करने के लिए यूज़ करी हूँ स्विस ब्यूटी मेकअप सेटिंग स्प्रे। सो दिस इज़ माई फाइनल फिनिश लुक। आई होप आप लोगों को मेरा ये मेकअप लुक पसंद आई है। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है, आपकी एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये मेकअप लुक कैसी लगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो बाय गाइस, लव यू ऑल।